आपका क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, बॉल यानी इट्स लाइक अ स्फीयर, तो हमारा हो गया डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल कितना दे रखा है इसने, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया इसका, जस्ट हाफ, तो आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने क्या दिया, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। अब मास इसने पूछा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस मच, तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, आप इसका यूनिट देखो क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास हो गया हमारा ग्राम्स में, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसने दे दिया है 8.9, तो डेंसिटी हमारा दे दिया इसने 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ बॉल, स्फीयर नहीं बोलेंगे यहां पर बोलेंगे आप बॉल, क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो गया हमारा, 4/3 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू व्हाट इज आर, आर इज 2.1, तो 2.1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, 21/10 लिखेंगे, 21/10 सेंटीमीटर्स। पॉइंट हटा दिया नीचे, एक जीरो पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो एक जीरो आ गया, तो सेम चीज हम लिखते हैं 21/10। मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे कैलकुलेशन इजी रहेगा और क्या होगा, कम से कम फॉल्ट आएंगे हमारे। ठीक है, तो अब लिखते हैं सेम चीज, 21/10 इंटू 21/10, और नीचे अगर 10 है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा ऊपर डॉट्स लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो 3 and 7 कट करते हैं 21 से, तो हमारा क्या आ गया, 88 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/1000, तो 21 इंटू 21 कितना होता हमारा, 441। फिर भी करते हैं हम यहां पर क्योंकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 21 21 1 2, फिर 2 and 4, हमारा आ गया 441, दैट इज इक्वल टू 88 इंटू 441/1000। ठीक है, नेक्स्ट, अब 441 को किस में करेंगे, 88 में, तो 88 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 32, 3 कैरी, 32 प्लस 3 इज 34, 3 5 2 8, 8 10, 1 कैरी, 8 नेक्स्ट, 8 and 3, 3 8 8 0 8, तो हमारा क्या आ गया, 3 8 8 0 8 by 1000, दैट इज इक्वल टू कितने जीरो से नीचे, 3 0, यानी 3 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, हमारा आ जाएगा 38 पॉइंट
8.08 क्या है हमारा सेंटीमीटर क्यूब इज आवर वॉल्यूम। तो ये तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसने बोला है मास निकालने, तो मास क्या हो गया हमारा 8.9 इंटू वॉल्यूम, तो हमारा हो गया देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम करते हैं मास निकालना है हमको, तो क्या होगा हमारा डेंसिटी कितना दे रखा है 8.9 इंटू एंड वॉल्यूम हमारा कितना आया 38.808। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा 9 8 जा 72 सेवन कैरी 9 8 जा 72 प्लस 7 इज 79 सेवन कैरी 9 3 जा 27 प्लस 7 27 प्लस 7 इज 34। ठीक है, नेक्स्ट 8 8 जा 64 फोर एंड सिक्स कैरी 8 8 जा 64 प्लस 6 70 एंड 7 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 3 इज 31। तो हमारा कितना आ गया 2 11 का 1 1 कैरी 8 प्लस 1 इज 9 13 1 कैरी 5 4 एंड 3। ठीक है, इतना बड़ा फिगर आ गया। अब डॉट्स लगाना है हमको, यहाँ पर डॉट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 है, यानी टोटल 4 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा डॉट आ जाएगा। तो हमारा मास कितना हो गया 345.3912 ग्राम्स इज आवर मास। ठीक है,